को ट्रांजिशंस फॉलो करते हैं तो वो जो ट्रांजिशंस होते हैं दे आर अलाउड, अगर वो रूल को फॉलो नहीं करते तो वो क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। तो दो हम शब्द अब यहाँ पर भी बताएंगे। तो इन द सिमिलर वे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑल्सो देर आर टू काइंड ऑफ सिलेक्शन रूल्स जिनको हम पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन रूल का मतलब ही ये है कि अगर कोई उन रूल्स को ओबे करता है तो वो ट्रांजिशन अलाउड होता है, और अगर वो ओबे नहीं करता है तो वो क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो जनरली जनरली आप देखेंगे जनरली दे आर स्पिन अलाउड। देखिए स्पिन अलाउड एक लाइन, स्पिन को याद रखिए, जो ट्रांजिशंस होते हैं जनरली इन केस ऑफ ऑर्गल डायग्राम्स वो स्पिन अलाउड बैंड्स दिखाते हैं स्पेक्ट्रा में, और वो डीडी ओरिजिन के होते हैं। डीडी ओरिजिन यानी डी से डी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। फिर आप देखेंगे ऑर्गल डायग्राम टेट्राहेड्रल के लिए भी हम बना सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत स्पेसिफिक जो एक बात है वो है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो ऑर्गल डायग्राम्स है, ये केवल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनते हैं। वीक फील्ड मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गल डायग्राम्स केवल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के ट्रांजिशंस के बारे में जानकारी देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानकारी ये नहीं देंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखें तो आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होगा। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा, जिनकी मल्टीप्लिसिटी एक सी होगी। अभी आप देखेंगे कि अगर वो एक की मल्टीप्लिसिटी 3 है तो दूसरे की मल्टीप्लिसिटी भी 3 होगी, उन्हीं के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ये हमें ऑर्गल डायग्राम बताता है। और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी कहीं कहीं पर ऑब्जर्व होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा है जिसके केस में स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाई देंगे, और इस तरीके से आप देखेंगे उन ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है, और साथ में वो बहुत हल्के मैग्नीज के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर वेरी लाइट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजिशन होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं दे आर वीक ट्रांजिशंस, वो वीक ट्रांजिशंस होते हैं, जबकि जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं दे आर इंटेंस। ये जब हमें दिखाई देंगे स्पेक्ट्रा में तो वो इंटेंस होंगे। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है, और इसका मतलब है कि जो एनर्जी डायग्राम्स हैं ये क्या करते हैं, हमें एक्चुअली क्या दिखाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स विद द सेम मल्टीप्लिसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीडी ट्रांजिशन इज नोन एज ऑर्गल डायग्राम। एक्चुअली ऑर्गल डायग्राम में हमने दिखाना क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म की स्प्लिटिंग दिखाएंगे विद इन द सेम मल्टीप्लिसिटी टर्म्स, एंड दीज डायग्राम्स दे आर ड्रॉन इन बिटवीन डेल्टा ओ एंड ई। This is E and delta O. तो ये जो डायग्राम प्लॉट किए जाते हैं ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ द स्टेट, इनके बीच में ये ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आते हैं, देखिए अभी हम इसको यहां पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यहां से हमें अंदाजा आएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार यहां ले जाती हूं। अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, आप बताएंगे आप ही मुझे सब, अब D1 कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाऊं तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है। देखिए पहले तो मैं क्या कहूं, मैंने कहा ऑर्गल डायग्राम मैं बना रही हूं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का मतलब इसके साथ कैसे लिगेंड जुड़े होंगे, इसके साथ जुड़े हो सकते हैं NH3, H2O और F- इस तरीके के जब लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर इनमें CN- जुड़े हो, CO जुड़ा हो, NO जुड़ा हो, कई बार NH3 भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है कभी कभी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, यानी हम इन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं जहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, केवल उन्हीं के लिए ऑर्गल डायग्राम्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि D1 कॉन्फ़िगरेशन का जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, अगर फ्री मेटल आयन की बात करूं तो क्या होगा, 2D D1 ऑक्टान जी क्या हो जाएगा, 2D। तो मैं क्या करूं, ये जो है ना इस डायरेक्शन में ये E है, एनर्जी ऑफ स्टेट्स, और इस डायरेक्शन में क्या है डेल्टा, बस इनके बीच में प्लॉट करना है। ठीक है, अब मैं जानती हूं कि जो इनका स्प्लिटिंग पैटर्न है वो भी मुझे आता है, तो मैं क्या करूंगी यहां पर कहीं पे ग्राउंड ये स्टेट दिखाऊंगी, ये कौन सी स्टेट है, 2D। इस लाइन पर मैंने क्या दिखा दी, 2D। तो ये क्या बता रहा है, मैं फ्री मेटल आयन के बारे में, फ्री आयन है, और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो वीक फील्ड बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, यानी यहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये किस किस में स्प्लिट होगा, जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2G और 2AG, बस यही तो ऑर्गल डायग्राम है, ये तो आपने स्प्लिटिंग सीख ली है, स्प्लिटिंग।
ये तो जो D1 ऑक्टाहेड्रा का इसमें बन गया ऑर्गन डायग्राम, बस ऑर्गन स्प्लिटिंग आती है तो यहाँ कहीं बीच में हम ग्राउंड स्टेट हम रखेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया है। और लेकिन जो प्लॉट होगा वो ई और डेल्टा ओ के बीच में बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। कई बार बच्चे ये नहीं लिखते, अब ये लिखेंगे ही नहीं कि किसके बीच का प्लॉट है, तो हम कैसे जानेंगे कि ऑर्गन डायग्राम है या स्प्लिटिंग है। तो ऑर्गन डायग्राम का मतलब है कि ये प्लॉट है इन बिटवीन ई एंड डेल्टा ओ, तो उसको हम ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। दूसरा, मैंने आपसे पॉइंट कहा कि ये जो ऑर्गन डायग्राम है ये किसके लिए बनता है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनता है। तो अगर ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनता है तो ये एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। तीसरा, आपने पॉइंट देखा था कि यहाँ पर जो टर्म्स होती है वो सेम मल्टीप्लिसिटी की होती है। देखिए, दो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी है और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी दो है, तो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स जनरली इंक्लूड की जाती है ऑर्गन डायग्राम में। तो बस ये सिंपल सा ऑर्गन डायग्राम है। अब आप किसी का, अब आप डी, अगर D6 का देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, लेकिन क्या होगी D6 के केस में, ये जो होगी ये 5D होगी, और ये आप देखेंगे ये 5T2G और ये 5EG होगा। और इसी ऑर्गन डायग्राम में आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा सकते हैं कि ये T2G1 है और ये EG1 है। ये तो D6 है, D6 में क्या होगा T2G4EG2 और यहाँ हो जाएगा T2G3EG3। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा सकते हैं। और ये देखिए, इसका ऑर्गन डायग्राम बन गया। कोई कठिन है ऑर्गन डायग्राम? इफ यू नो द स्प्लिटिंग देन नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ द ऑर्गन डायग्राम्स। तो यही ऑर्गन डायग्राम्स है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो ड्रॉ करेंगे वो डेल्टा ओ और ई के बीच में हम ड्रॉ करेंगे प्लॉट। फ्री मेटल आयन देखिए वाई एक्सेस में दिख रहा है आपको, फ्री मेटल आयन की जो ग्राउंड स्टेट है, जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे फील्ड की, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे जो डी थी ये टूट जाएगी दो टर्म्स में, यानी इसमें सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स आती हैं, और ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रॉ किया जाता है। अब अगर हम इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाएं, तो अगर हम इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाएंगे तो देखिए, अगर मैं D1 का टेट्राहेड्रल की ऑर्गन डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा, D1 का ऑर्गन डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो बस इसका अपोजिट आ जाएगा, उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म तो 2D ही रहेगी। ये E है, ये डेल्टा O है, ये जो स्प्लिट होगा ये किसमें स्प्लिट होगा, 2E एंड 2T2 में, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग होगी, लेकिन बात सेम है कि ये वीक फील्ड के लिए बनेगा, सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स आएंगी, ट्रांजिशंस बताता है, अभी हम देखेंगे कैसे ट्रांजिशंस बताता है। तो ये क्या है ऑर्गन डायग्राम। अब हम एक ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे D2 कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गन डायग्राम, D2 की क्या होती है ग्राउंड स्टेट टर्म फ्री मेटल आयन की, D2 में फ्री मेटल आयन की ग्राउंड स्टेट 3F। 3F के साथ हमें किसे लेना पड़ता है, 3P। 3P को भी लेना पड़ता है, बिना 3P लिए नहीं होगा, 3F नीचे होगा क्योंकि 3F ग्राउंड स्टेट है, L अधिक है उसका, ठीक है। आप इसकी स्प्लिटिंग अगर अगर D2 की थी तो कैसे स्प्लिटिंग हो रही थी, सबसे नीचे कौन सी टर्म थी, D2 है ना, तो कौन एसिमेट्रिकली फील्ड होगा, और ये T2G नीचे आ जाएगा होगा है? ये है ना, ये देखिए ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। T2G T2G नहीं होता बेटा, सबसे नीचे कौन होता है, T1G, हमने सब कैलकुलेट करके देख लिया। T1G हाँ, T2G हमेशा बीच में आएगा, ये मैंने आपको बताया भी और हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया है कि ये इसका मतलब T1G है ना, जब दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, और जब एक होता है तो क्या होता है T2G। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गई 3T1G। ये किसने किससे ओरिजिनेट हुई थी, एफ से ना, ये एफ की एटम, ठीक है। फिर बीच में कौन आएगा, मैंने आपको हमेशा बताया, ज्यादा याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है, बीच में क्या जाएगा T2G आ जाएगा। T2G किसका होगा, एफ का होगा। सबसे ऊपर क्या होगा इसका मतलब A2G होगा, ये किसकी होगी, एफ की होगी, ठीक है। अब ये जो जो पी है ये स्प्लिट होगी, और ये स्प्लिट होने के बाद इसकी टर्म्स क्या, इसकी टर्म क्या जनरेट होगी, 3T1G जनरेट होती है इसकी। ये किसकी है, देखिए पी की है, T1G, ठीक है। तो अब ये आपने देख लिया कि यहां पर मैंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि एक एक जो स्टेट थी वो A2G थी और एक T1G थी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है क्योंकि ये एक सी टर्म नहीं है, ये सेम जो सिमेट्री है उसकी टर्म ये नहीं है, इसलिए दे कैन क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर। तो बस यही इसका ऑर्गन डायग्राम है, जो आपने स्प्लिटिंग पढ़ी दैट पैटर्न इज ऑर्गन डायग्राम, बस हमने इसको क्या किया कि इसको प्लॉट कर दिया इन बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों, मैंने आपसे कहा कि स्प्लिटिंग बढ़िया ढंग से सीख लीजिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऑर्गन डायग्राम बन गया समझ लीजिए, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ूं,
यस मैम। अभी आगे एक आधे और अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि जो ऑर्गन डायग्राम है वो हमें बताता क्या है। अब देखिए, हमें कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट पता है, कॉम्प्लेक्स की एक्साइटेड स्टेट पता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है? टी टू जी से होता ही तो है। आपने यही तो कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ था और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, यानी ये टी टू जी से ई जी में ही तो ट्रांसफर हुआ। और ये जो स्टेट थी ये टी टू जी थी और ये जो स्टेट थी ई जी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टी टू जी से ई जी में हो गया। तो कितने ट्रांजिशन होंगे पॉसिबल डी वन कन्फिग्रेशन के लिए? कितने ट्रांजिशन दिखाई दे रहे हैं हमें, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे इसके? इलेक्ट्रॉन ठीक ट्रांसफर हो रहा है ना, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने ट्रांजिशन बनाए मैंने अभी, देखिए आप कितनी एक्साइटेड स्टेट है, कितनी ग्राउंड स्टेट है। तो कितना कितने कितने पॉसिबिलिटी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की? ये जो एरो से मैंने दिखाया ये क्या है? ये जो एरो से दिखाया ये ट्रांजिशन है टू नहीं, जो ट्रांजिशन है ना वो टू टी टू जी से टू ई जी हो रहा है। तो कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं भाई? जब एक तो है ग्राउंड स्टेट और एक है एक्साइटेड स्टेट, तो कितने ट्रांजिशन होंगे? ये एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है, तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? दो स्टेट है, दो स्टेट के बीच में कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे? एक एक ही तो पॉसिबल होगा, एक ही तो पॉसिबल है, एक ही तो एरो बनाया मैंने। चाहे चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चाहे पांच हो, उनका तो एक ही ट्रांजिशन, एक ही तरीके का ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो तो एक सा ही होगा ना, टू टी जी से ईजी में ही तो होगा। इसके अलावा कोई और ट्रांजिशन हो सकता है? हो सकता है बताइए। ये जो ट्रांजिशन है देखिए टू मल्टीप्लिसिटी की टर्म से टू मल्टीप्लिसिटी की टर्म में हो रहा है। अब यहां आइए दूसरे में। अब आप देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, सबसे नीचे ये स्टेट है, बाकी एक्साइटेड स्टेट है। ये ट्रांजिशन पॉसिबल और ये ट्रांजिशन पॉसिबल, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? थ्री, क्योंकि एक ग्राउंड है तीन एक्साइटेड है, तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे? तीन ही तो होंगे भाई, एक ही ग्राउंड है और तीन एक्साइटेड है, तो तीन में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तीन में जा सकता है, तीन एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकता है, तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे? तीन, तीन पॉसिबल होंगे। तो जब हमें ग्राउंड स्टेट भी पता चल गई, एक्साइटेड स्टेट भी पता चल गई, और जब हमें सब पता चल गया, तब हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे, ये हम बता देंगे। अब आप ये देखिए, अब मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, डी फोर बनाते हैं, डी फोर नहीं डी एट बनाते हैं, ठीक है? डी एट जो इसका अपोजिट होगा, डी एट का जो जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो क्या होगी? थ्री है थ्री एफ ई है, हा? ये डेल्टा ओ, ये ई, ये किनकी एनर्जी का क्रम है? ये जो हम स्टेट्स बना रहे हैं ना उनकी एनर्जी का क्रम है। तो आपने कहा 3F और यहां पर क्या जाएगी? 3P। अब 3F कैसे टूटेगी? D8 में कैसा अरेंजमेंट होगा? जो ग्राउंड स्टेट होगी वो क्या होगी इसमें, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी इसकी? है एक बार बना के देखो बेटा अपनी कॉपी में, कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है? वीक फील्ड की बात करते हैं हम, तो वो कितने आ रही है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? T2G6EG2 आ रहा है, T2G6EG2 यस मैम, है, यस मैम। तो ये कैसा है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? दोनों सिमेट्रिकली भरे हुए हैं दोनों ऑर्बिटल, तो इसकी कितनी वन ही पॉसिबिलिटी होगी। तो जब वन पॉसिबिलिटी होगी तो कौन सी स्टेट होगी? है ए टू जी होगी, क्या होगी? ए टू जी। तो ये क्या है? 3A2G, ठीक है? ये ऑक्टेहेड्रल की बात कर रहे हैं हम। ये अब जो दूसरी स्टेट आई वो कौन सी आ जाएगी? दूसरी स्टेट कौन सी आ जाएगी है? हाँ बच्चा, टी टी टू टू जी जी आ जाएगी। गुड, अब तो आपको याद हो जाएगा ना, ऐसे देखिए क्या आ गई, 3T2G।
और तीसरी क्या आएगी इसकी फिर? अब टी वन जी। अब ये जो स्टेट्स हैं एफ की है, ये एफ से ओरिजिनेट हो रही है सारी की सारी। पहले हमने एफ की स्प्लिटिंग दिखा दी ना, अब जो बचा है थ्री पी उसकी होगी एक, ठीक है, वो क्या होगी? थ्री टी वन जी। ठीक है, ये थ्री टी वन जी होगी। अब आप देख लीजिए अंतर, यहां पर दो टी वन साथ है ना, इसलिए एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। दोनों टी वन जी है, एक एफ से ओरिजिनेट हुई है एक पी से ओरिजिनेट हुई है, दोनों एक सी है बिल्कुल, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी भाई, वो तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रही ना, दोनों एक सी है, दोनों मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद क्या होंगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी देखिए, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी और ज्यादा हो जाएगी, तो ये कभी मिल ही नहीं सकती, ऐसे रहेंगे। नॉन क्रॉसिंग रूल, यहाँ पर नॉन क्रॉसिंग रूल हो गया। टी वन जी एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी, दोनों एक सी है, मिक्स हो, जिनका स्वभाव एक सा होता है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं ना, दोस्त हो जाते हैं ना, होते हैं जिन जिनका स्वभाव मैच करता है वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जिनका नहीं करता वो एक दूसरे के दोस्त भी नहीं रखते, ऐसा ही है, इनका स्वभाव मैच करता है, बिल्कुल एक सी टर्म्स है, बस अंतर यह है कि एक पी से आ रही है एक एफ से आ रही है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद दोनों ऐसे होंगे कि एक एनर्जी जिसकी कम थी उसकी और कम हो जाएगी, जिसकी ज्यादा थी उसकी और ज्यादा हो जाएगी, सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर, सो दिस इज नॉन क्रॉसिंग रूल। ये अंतर है दोनों डायग्राम में, जब यहाँ पर ए टू जी और टी वन जी होगा देन दे विल क्रॉस, और जब यहाँ पर टी वन जी होगा देन दे विल नेवर क्रॉस। ये क्लियर है? Yes, तो इसका मतलब है कि अब आपको बस ये तो पता चल गया बच्चों, जैसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये टर्म्स आएंगी ना, और अगर ये दोनों किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में पास में आ जाती है, इसका मतलब हम इनको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कितनी ग्राउंड स्टेट है, ए टू जी इज द ग्राउंड स्टेट, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? तीन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको फिर एक जिस्ट मिलेगा, आपको ये जिस्ट मिलेगा कि अगर डी वन कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D9, यहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? इनकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है? D1, D6, D4, D9, इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? फ्री आयन की एनडी होती है, तो एनडी हो गई, यानी इन सब की एनडी होती है, और जिनकी एनडी होती है वो कितनी स्टेट में स्प्लिट होते हैं? T2 एंड E में, दो टर्म में स्प्लिट होते हैं, और जब दो टर्म में स्प्लिट होंगे तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे? वन ट्रांजिशन होंगे। तो अब आप देख लीजिए, आपको ज्यादा कहीं जाना ही नहीं, आपको पता चल गया है कि जहां पर डी स्टेट होगी वहां पर केवल दो ही एनर्जी स्टेट में स्प्लिट होना है, इसलिए एक ही ट्रांजिशन होगा, और जब एक ट्रांजिशन होगा ना, तो जब आप उसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उसके स्पेक्ट्रा में एक ही पीक दिखाई देगी, एक ही तो ट्रांजिशन हो रहा है, एक पीक दिख जाएगी। तो जब हम कोई नया कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस करते हैं तो हम उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एक पीक दिखेगी, तो इसका मतलब इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी फिर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, और कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, देन वी केम टू नो कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा सिस्टम ये हो सकता है। लेकिन उनमें से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक, जो हमें ये बता रही है कि उसमें कितने ट्रांजिशन होंगे और कितने उसके पीक पॉसिबल है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास और कौन से कॉन्फ़िगरेशंस बचे, हमारे चार कॉन्फ़िगरेशन जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? एफ, तो वो क्या है? D2, D7, D3 एंड D8। ठीक है, अब ये को अगर आप देखेंगे तो इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी? NF थी। अब NF थी तो कितने स्टेट्स पॉसिबल थी? 1+3, 1 ग्राउंड स्टेट, 3 एक्साइटेड स्टेट, तो टोटल कितने पॉसिबल हैं ट्रांजिशंस? 3 पॉसिबल है, तो इन सबके केस में 3 पॉसिबल है, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, क्योंकि स्प्लिटिंग पैटर्न तो हर एक में आप देखेंगे कि चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, आपको जी नहीं लिखना है टेट्राहेड्रल में, स्प्लिटिंग तो ऐसे ही होनी है, बस अपोजिट होगी, होगा एफ कॉन्फ़िगरेशन के केस में, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, सब केस में आपके 3 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, और जब 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है तो जनरली यू विल गेट 3 पीक्स इन केस ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस, जनरली यू विल गेट 3 पीक्स इन दीज कॉन्फ़िगरेशंस, तो आप समझ जाएंगे कि इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको फिर शो भी कर रही हूँ इनके ग्राफ, ये समझ में आ रही है बच्चों बात? यस मैम। Yes. Yes, ठीक है, अब हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन बचा है D5, बाकियों के तो आप बना लेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे अगर आपको स्प्लिटिंग आती है। Yes, ma'am. स्प्लिटिंग आती है तो आप ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अब हम, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जरूरी है बच्चा, ये अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना कि ई और डेल्टा हुआ है तो फिर वो स्प्लिटिंग मानी जाएगी, वो कोई ऑर्गल डायग्राम नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि मुझे जब ड्रॉ करना है तो मैं उसको उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखूं। दूसरा आप देखेंगे कि मैं उसमें ये दिखाऊं कि देखिए मल्टीप्लिसिटी भी सिमिलर है इन टर्म्स की, ऑर्गल डायग्राम की विशेषता है कि उसमें जनरली सिमिलर मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स आती हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि टेट्राहेड्रल अगर होगा तो जी का यूज नहीं करना है। ओके, तो हम समझ गए हैं कि जो और कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके बारे में हम समझ चुके हैं। मैं इनके एक बार आपको स्पेक्ट्रा भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आप देखेंगे डी वन मेटल इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आपको इस तरीके की पीक दिखेगी। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसा हम्प सा दिखाई दे रहा है। देखिए आप अगर आप सोचेंगे यहाँ पर दो पीक सी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए दिख रहा है, क्लियरली वन नहीं आ रही है ना, ऐसी नहीं आ रही है, ऐसी नहीं आ रही है, ये ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है ना। ये भी हमें ध्यान देना है, अभी हम देंगे ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन आएगी एक ही पीक पर आपको ऐसा लगेगा कि दो पीक है, ठीक है, कहीं कहीं पर दिखाई देगा। ओके, तो एक ही दिखाई देगी, जनरली आप यही बात करेंगे कि इसमें एक पीक आएगी, जो कि लगभग अगर मैं टी आई एच टू होल सिक्स थ्री प्लस का बात करूं तो देखिए इसकी जो डेल्टा ओ है वो 2400 के आसपास, जो इसका पीक है देखिए ये 2400 के आसपास आ रहा है, ये पीक देखिए ये है असली पीक, ठीक है। तो ये 2400 के आसपास पूरा पीक फैला हुआ होता है एक्चुअल में, जैसे आपने एनएमआर में देखा है कि ऐसी आती है ना पीक, ऐसे देखिए यस मैम, इसमें ऐसी आती है, इतनी चौड़ी पीक आती है, मतलब शार्प पीक नहीं आती, चौड़ी पीक आती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये देखिए डी वन टेट्राहेड्रा में देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, 2E 2T2 कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है देखिए E1 T2 1। यहां हम लिखेंगे जब जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर ई लिखेंगे, बस ये बन गया ऑर्गल डायग्राम। इसमें कुछ बताना है, सब तो आपने लिख दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है एग्जाम में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपने ये सब लिख दिया है तो फिर तो अगला समझ ही जाएगा भी इसको आता है। आपने लिख दिया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो ये है बस, एक टू टी टू, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो एक पीक ये शो करेगा। जब आपने पूरे फिगर में सब कुछ लिख दिया है, नहीं लिखेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, ये बड़ा आसान तरीका है, आप सब लिख दीजिए। अगर लिखने का टाइम नहीं है तो बहुत कहना नहीं है, आपने सब समझ जाएगा अभी, ठीक है। अब आप देखिए D6 का पहले हम उनका देख रहे हैं जिनकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो D है। अब आप देखिए ये D6 मेटल आयन ऑक्टाहेड्रा में अगेन आप देख सकते हैं कि एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक पीक आनी चाहिए पर आपको दो सी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप इसकी टेट्राहेड्रा में देखिए, ये टेट्राहेड्रा है, अगर इसके ऑक्टाहेड्रा में T2 नीचे है तो इसके टेट्राहेड्रा में ई नीचे है, हमने कॉन्फ़िगरेशन पे लिख दिया, ठीक है। फिर आप देखिए D2 जहां पर F हो गई है देखिए, तो ये देखिए तीन इसकी ट्रांजिशन पॉसिबल है और तीन यहां पर हमें दिखाई देने चाहिए, जो हमें दो ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जो तीसरा होता है ना, तीसरा पीक या तो यहाँ बहुत दूर है, मतलब अब आप देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस रीजन में हम बात कर रहे हैं, अब कुछ ध्यान है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मैंने कहा कि कलर पता चलता है हमें, तो हम किस रीजन की बात कर रहे होंगे, विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। विजिबल रेंज की जो एनर्जी है वो 400 से 700 या 800 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है, मतलब 400 से नीचे क्या होगा, यूवी होगा, 400 से नीचे यानी 200 से 400 कौन होता है, यूवी। यूवी में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है बट कलरलेस दिखता है यहां पर, जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे डीएनए का सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई ऐसा, तो वो जो एब्जॉर्प्शन लेते हैं ना वो 200 से 400 के बीच में लेंगे, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है ना वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर हमें कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन की अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम इस रेंज में लेंगे, 400 से 700 के बीच में, वो पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर जो लैम्डा मैक्स होता है, आपने यूवी भी पढ़ी है, यूवी पढ़ी है बच्चे आपने, यस मैम, वहां पर आपने पढ़ा होगा एक लैम्डा मैक्स होती है, तो हर एक कंपाउंड की क्या होती है, लैम्डा मैक्स होती है, पर उसी उसी पर हम हमें कोई स्टडी करनी है तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स की हम उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सेट करेंगे और उसी पर उसकी एब्जॉर्प्शन लेते हैं। तो खैर अभी आप ये देखिए कि 400 से 700 से नीचे क्या है, यूवी रेंज है, और इससे ऊपर क्या होगी, विजिबल से ऊपर क्या रेंज होगी, कौन सी रेंज होती है, इंफ्रारेड, कौन सी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बेटा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, इंफ्रारेड, हम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इससे ऊपर होता है कि नीचे? हाँ ऊपर होगी ना, उसकी एनर्जी कम होगी ना, ठीक है ठीक है, यानी एक साइड यूवी है और एक साइड क्या है, इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड और यूवी जो होता है ना, वहां पर कलर नहीं दिखाई देता कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पर अगर दो पीक दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है या तो तीसरा पीक बहुत हाई जा रहा है, तीसरा पीक जो है हाई वेवलेंथ में चला जा रहा है इसका मतलब, और या फिर तीसरा पीक लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। अगर हमें दो दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि जो तीसरा पीक है आना तो चाहिए था, क्योंकि तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब है या तो वो हाई रेंज में चला जा रहा है या वो लोअर रेंज में चला जा रहा है, जो विजिबल रेंज में दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि विजिबल रेंज के रीजन में ही जो दो ट्रांजिशन है वो तो विजिबल रेंज में हो गए, और एक ट्रांजिशन क्या हो गया, या तो यूवी रेंज में चला गया या आईआर रीजन में चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार दो ही पीक दिखाई देते हैं उसी रेंज में, ठीक है। तो ये कारण है, आने चाहिए तीन। अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें भी तीन आ रहे हैं देखिए, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर T1 स्टेट है तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये देखिए D7 मेटल, D7 में आप देखेंगे अगेन थ्री ट्रांजिशंस पॉसिबल, और जो पीक है देखिए तीन दिख रही है, लेकिन अगर तीन नहीं दिखती है तब मैंने कहा है कि कई बार वो उससे नीचे एब्जॉर्ब कर सकता है और कई बार उससे ऊपर एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए D7 टेट्राहेड्रल अगेन यू कैन गेट थ्री पीक्स, ठीक है थ्री पीक्स आपको मिल सकती है। फिर आप देखिए D7 टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट, D7 टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट में देखिए बहुत साफ नहीं दिख रहा है, पीक्स तो दिख रही है कुछ, बहुत साफ पीक नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पीक जो है वो यूवी में चले जा रही है, कोई पीक कहाँ चला जा रही है, आईआर में चले जा रही है। देखिए तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगेन आप देख सकते हैं D3 मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट, देखिए तीन पीक आ रही है, तो कहीं पर तीन पीक दिखाई देंगी कहीं पर नहीं दिखाई देंगी, पर आनी तीन चाहिए। देखिए यहाँ पर अगेन टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट में थ्री पीक्स, D8 को देखिए तीन पीक आ रही है, सिर्फ कुछ आप कुछ कन्फिग्रेशन में आपको दिखेगा जहां पर नहीं दिखाई देंगी। अभी D8 देखिए बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा है, D8 में पीक्स जो है वो आ रही है बहुत साफ नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं पर इस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है कि या तो लोअर साइड में चले जा रही है वो हायर साइड में चले जा रही है, लेकिन पीक तीन आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए D4 में एक ट्रांजिशन पॉसिबल है तो एक पीक आएगी, D4 टेट्राहेड्रा में एक पीक आएगी, D9 ऑक्टाहेड्रा में अगेन एक पीक आएगी, आपको यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है, फिर D9 में एक पीक आएगी टेट्रा, इतना समझ गए आप? Yes, ma'am. इतना तो समझ गए होंगे कि अगर हमें क्या पता चल गया, जो मैंने अपने शुरू में आपसे मैंने ये कहा था कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक ग्राउंड पता चल जाए, एक एक्साइटेड स्टेट पता चल जाए, और उसको पता लगाने में हमें इतना समय लगा, देखिए कम से कम तीन लेक्चर हमारे इसी में चले गए, क्यों? क्योंकि आप ये इतना सिंपल नहीं जितना ऑर्गेनिक में होता है, कह दिया ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, नहीं, यहाँ पर जो एक कन्फिग्रेशन था वो पहले एक ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, जो ग्राउंड स्टेट क्या थी, वो ग्राउंड स्टेट थी थ्री मेटल आयन की, उसके बाद आपने देखा कि वो जो टर्म थी वो एक पर्टिकुलर फील्ड में वो स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट हो गई तो उससे हमें एक ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मिली, देन वी केम टू नो दैट ट्रांजिशंस वन होगा कि थ्री होगा, ये हमने बता दिया। और अगर हमें पता चल गया कि ट्रांजिशन वन होगा या थ्री होगा, देन वी कैन एज्यूम दैट नंबर ऑफ पीक्स विल बी थ्री और वन, ओके इतना क्लियर है? तो नाउ वी कैन मूव टू द D5 कॉन्फ़िगरेशन, अब हम D5 पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। D5 बिल्कुल अलग है, इसलिए ये D5 अलग से लिया गया है, क्लियर है? बाकी क्लियर हो गया ना बच्चों, पहले मुझे ये बताइए आपको क्लियर है, अगर मैं कोई क्वेश्चन दूंगी तो कर लेंगे? यस मैम, यस मैम, ठीक है ठीक है। तो अब हम D5 देखेंगे। अब D5 में मैंने आपसे कहा कि कितनी टर्म D5 की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या थी? एस, एस थी। कितनी एस थी? 6S थी। 6S का मतलब क्या था? 6A1G, ठीक है, या 6A1 या 6A1G। अब A1 किसी में स्प्लिट होगी? A1 तो एक ही है ना, ये सिंगलेट स्टेट है, सिंगलेट डिजेनरेसी, इसकी सिंगल डिजेनरेसी, तो ये क्या किसी में स्प्लिट हो सकती है? नो मैम, नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हमारे लिए बड़ी मजबूरी हो गई कि ये पहला ऑर्गन डायग्राम ऐसा होगा जहां पर हम डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स इंक्लूड करेंगे, ओके? अब आप देखिए, ये देखिए 6S, ये हमारा ऑर्गन डायग्राम है, ये देखिए 6S है, और ये 6S से जो ग्राउंड स्टेट बन रही है ना, ये देखिए ये क्या है, 6A1G है, और ये जो प्लॉट हमने किया है डेल्टा O एंड E के बीच में किया है, ठीक है, तो ये 6A1G बन गई, ठीक है।
अब आप देखिए कि इसमें क्या होगा, इसके ऑर्गल डायग्राम में हम ट्रांजिशन कैसे दिखाएंगे, जब हम इसके जो जो स्पेक्ट्रा है ना, जब हम देखते हैं, ये अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि एम एन टू प्लस का एग्जांपल लूँ मैं, अगर है एम एन टू का मतलब क्या है, डी फाइव कन्फिग्रेशन, और अगर ये डी फाइव कन्फिग्रेशन है तो क्या होगा कि जब हम इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे ना तो इस तरीके का दिखाई देगा हमें। तो आप देखिए पीक तो आई रही है, जबकि हम कह रहे हैं कि ए वन जी किसी में स्प्लिट नहीं होगा, कह रहे हैं ना, लेकिन तब भी पीक दिखाई दे रही है इसके स्पेक्ट्रा में। तो इसका मतलब इसके स्पेक्ट्रा में कुछ ऐसा तो होता होगा कि इसमें पीक आती होंगी, मतलब इसमें भी ट्रांजिशन होते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिशन क्या होते हैं कि यहां पर आप देखेंगे स्पेशली इन केस ऑफ डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू इंक्लूड द डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी टर्म, हमारी मजबूरी है, हमें जो टर्म है वो इंक्लूड करनी है जो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की होती है। वो क्यों करनी है मैं आपको दिखा रही हूं। ये अगर आप देखेंगे, अब हम D5 कॉन्फ़िगरेशन की एक बार इसकी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट्स देख ले, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक दो के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप ये D5 और बाकी कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी सिलेक्शन रूल्स, फिर आपको सिलेक्शन रूल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमें एक चीज समझ में आएगी तो हमें दूसरी चीज समझ में आ जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये मैं D5 की बात करी, अब देखिए मैंने D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखा, D5, अभी मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, ठीक है, D5, D5 ऑक्टाहेड्रल की जब मैंने बात करी तो ये एक होगी ग्राउंड स्टेट, कुछ होंगी एक्साइटेड स्टेट्स। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है, ये D5 में कर दिया, वीक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब ये एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ठीक है, और फिर ये फर्दर भी ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट और हो सकती है इस तरीके से, और कई। अब आप एक चीज बस ये देख लीजिए कि यहां पर जो पहला जो मैंने केस दिया ग्राउंड स्टेट, यहां पर मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी, सिक्स आई, सिक्स, यहां पर कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी, फोर, यहां पर कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी थर्ड केस में, टू। अब हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस को एक बार और देख रहे हैं, जैसे हम एक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं डी, कोई भी ले लीजिए, डी फोर ही ले लीजिए, ठीक है। अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, देखिए ये, और यहां पर कर रहे हैं एक्साइट जब हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब आप मुझे बताइए कि जो पहला केस है यहां पर कितनी ग्राउंड स्टेट टर्म, यहां पर कितनी मल्टीप्लिसिटी है, फाइव, फाइव। सेकंड केस में कितनी है, फाइव, फाइव। तो क्या मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई, हैं? नहीं हुई ना, ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगी। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लीजिए, D1 से लेकर D10 तक एक्सेप्ट D5, D5 को छोड़ दीजिए, बाकी किसी में भी आप देख लीजिए मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, इवन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सेम, देन मल्टीप्लिसिटी विल बी द सेम, सेम होगी, क्योंकि हम एस से ही तो निकाल रहे हैं, स्पिन से ही तो निकाल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो एक से आएगी, 2s प्लस 1 होती है, दोनों में तो एक सी स्पिन है, क्लियर है? Yes, ma'am. तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आप देख लीजिएगा, सब में एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी एक सी आएगी, इसलिए ऑर्गल डायग्राम में भी एक सी आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो ग्राउंड स्टेट है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसकी मजबूरी है बेचारे को, ये जो था, जो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला, इसकी मजबूरी है कि इसको स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, करनी पड़ी। आप देखिए इसको चेंज, क्योंकि पहले से ही सारे भरे हुए हैं, इसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, और जब स्पिन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, हो गई पेयरिंग, अब केवल तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर दूसरा एक्साइटेशन होगा तो इसको भी, इसकी भी मजबूरी है, इसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, और स्पिन चेंज करनी पड़ेगी तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। तो D5 के केस में आप देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है उसका मल्टीप्लिसिटी कुछ और है, जो एक्साइटेड स्टेट्स है उनकी मल्टीप्लिसिटी कुछ और है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो जब इनकी मल्टीप्लिसिटी अलग है तो अब मजबूरी है ना, इसकी तो मजबूरी है, ये सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स तो आ ही नहीं सकती इसके ऑर्गल डायग्राम में।
इसके ऑर्गल डायग्राम में तो उस मल्टीप्लिसिटी की दूसरी टर्म सही नहीं, इस मल्टीप्लिसिटी की दूसरी टर्म सही नहीं, मजबूरी है उसकी, तो क्या होगा इसके ऑर्गल डायग्राम में हमें दूसरी मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स भी डालनी होती है। और अगर बुक्स खोल के देखेंगे तो कई बार आप ये देखेंगे कि यहां पर से ज्यादा मल्टीप्लिसिटी की टर्म भी वो ऐड कर सकता है, वो टू की भी डाल देगा, पर हम इसको इजी बना रहे हैं, हमने केवल वो टर्म्स लिए हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी चार है। दो वाली तो हमने ली नहीं है, देखिए हमने नहीं ली है, हम उसको टेनेबो सुगानो डायग्राम में लेंगे। तो हम केवल वो मल्टीप्लिसिटी की टर्म दिखा रहे हैं जो सेकंड हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी है, उसकी टर्म्स हम दिखा रहे हैं। अब पहले हम एक बार और जाते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन की ओर। हम जाते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन में, जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें आपको मैंने डिफरेंट दिखाई थी टर्म्स दिखाई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। वहां हम चलते हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि D5 कॉन्फ़िगरेशन की कितनी तरीके की टर्म्स हो सकती है, ठीक है। ध्यान नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ था, ये है, देखिए। अब आप यहाँ पर आ जाइए, D5 को देखिए बच्चों, देखिए इसमें मल्टीप्लिसिटी, देखिए दो मल्टीप्लिसिटी की टर्म दिख रही है आपको, ये देखिए दिख रही है, दो की दिख रही है, चार की दिख रही है, देखिए चार मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स दिख रही है, दिख रही है, और आपको छह मल्टीप्लिसिटी की टर्म दिख रही है, दिख रही है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब आप देख लीजिए, जब D5 कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होता है तो इतनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स देता है जिनमें चार मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स भी होती है, छह की भी होती है, दो वाली भी होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि जो छह वाली है वो तो एक ही है, ट्रांजिशंस तो हो रहे हैं, ट्रांजिशन किसके बीच में हो रहे हैं हमें दिखाना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चार मल्टीप्लिसिटी की टर्म कौन कौन सी है, देखिए कौन सी है, देखिए आप बताइए। जी जी है, एफ एफ है, डी हाँ डी पी पी, चार टर्म्स है ना, चार टर्म्स है, तो बस और कोई ऐसा नहीं है, हमने वही इंक्लूड करनी है। पर इसके ऑर्गल डायग्राम में हमने क्या किया, हमने वो चार टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड कर दी जिनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, फोर थी, ठीक है। तो इसको जब हम ये देखिए जी पी डी एफ, अब इनको कैसे रखना है ना, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर हुंडू रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बस केवल जी के लिए अप्लाई हो रहा है कि इन चारों में से जी की एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एल वैल्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकियों में अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये जो ऑर्डर है ये तो कैलकुलेटेड ऑर्डर है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी की पहले है, फिर पी की है, फिर डी की है, फिर एफ की है, एस की तो सबसे नीचे रहेगी क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है। तो ये चार इंक्लूड हमने की। अब हम जानते हैं आप मूलिक इन टर्म्स, आप जानते हैं कि जी की जो जो इसकी जो डिजेनरेसी है वो कितनी होती जी की, 11 होती है। और हमें ये मुलिकन टर्म में अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जब जी स्प्लिट होता है तो T1G, T2G, A1G और EG में स्प्लिट होता है, ये चार टर्म में स्प्लिट होता है, 1 और इसकी डिजेनरेसी 2 होगी, 3 और 3 6 3 9, तो क्या हो जाएगी इसकी 9 डिजेनरेसी हो जाएगी। जो पी है वो किसी में नहीं स्प्लिट होता है, उसकी जो मोलिकिन टर्म है वो T1G कहलाती है। जो डी है वो दो में स्प्लिट होता है, T2G एंड EG में, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं तो T2G नीचे रहता है, EG ऊपर रहता है। फिर जो एफ स्प्लिट होता है उसमें A2G नीचे रहेगा, यहाँ पर T1G T2G ये तीन स्टेट में। तो हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे स्प्लिटिंग हुई है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही स्प्लिटिंग होगी, और जब ये टेट्राहेड्रल का हम बनाते हैं तो ये स्प्लिटिंग उल्टी हो जाएगी। मतलब कि जैसे T2G है, ये T2G यहाँ पर पता नहीं T2G ऊपर क्यों लिखा है, ये देखना पड़ेगा मतलब एक बार इसमें D5 में, ये T2G वैसे तो जनरली बीच में आता है, ठीक है। तो अब ये क्रम आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये क्रम ये डी तो आपको पता ही है कि T2G नीचे रहेगा और EG ऊपर रहेगा, अगर क्या होगा अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये बाकी क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ये जो A2G है नहीं तो इसको आपको कोई अपना हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्रम क्या है। ये क्रम तो बेटा याद करना पड़ेगा, ये जो क्रम है ना, ये वाला क्रम, तो ये कौन सी नीचे है कौन सी ऊपर है। D5 के केस में ही दिक्कत है, बाकी में तो दिक्कत नहीं है आपको। तो ये चार टर्म जी से जनरेट हुई है, डी से जनरेट हुई है, पी वाली ऊपर होती है और बाकी इस तरीके से स्प्लिट होती है। और अगर हम इसी का टेट्राहेड्रा दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, A1G और EG नीचे चले जाएंगी और ये ऊपर चले जाएंगी, A2G ऊपर चले जाएगी और ऐसे ही जो है T2G ऊपर चले जाएगी और EG जो है वो नीचे आ जाएगी। तो उसका अपोजिट हो जाएगा जो जो ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट होता है। तो अगर आपको ये याद करना पड़ेगा D5 में तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिला। अब आप यहां पर बस सिर्फ आपको ये देखना है कि ये देखिए दो सीधी लाइनें दिख रही हैं आपको, लगभग सीधी लाइन
हॉरिजॉन्टल लाइन A1G के लिए और EG के लिए दिखाई दे रही होंगी, दिख रही है? Yes, ma'am. फिर आपको यहाँ पर देखिए EG के लिए दिख रही है सीधी लाइन, लगभग सीधी लाइन, ठीक है? फिर आपको थोड़ा A2G के लिए सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ पर देखिए सीधी लाइन पर गौर कीजिए। जो टेढ़ी लाइन है वो टेढ़ी क्यों है? ये देखिए T1G है, कितने T1G है देखिए, इसमें एक T1G है, एक T1G है, तीन T1G है, ठीक है? Yes, ये तीनों सेम सिमेट्री की टर्म है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ये इतनी कितनी दूर भी होती है ना तब भी ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद क्या करती है कि एक दूसरे के साथ कभी भी ये मैच नहीं होंगी, इसलिए कभी इधर को दिख रही है, ये इधर को दिख रही है। अब आप T2G देखिए, देखिए T2G ये है, ये T2G है, ये T2G, तीन T2G है, ठीक है? Yes, तो तीन T2G है, तो क्या T2G जो है वो एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं होंगी, ये T2G भी एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होंगी, तो ये भी एक दूसरे, सॉरी मतलब क्रॉस नहीं करेंगी, ये भी एक दूसरे के साथ क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी, इसलिए आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है? अब A2G देखिए, एक अकेला है, इसके अलावा कोई और टर्म है? A1G अकेला है, EG जरूर जो है वो EG दो है, ठीक है? तो आप ये देखेंगे जो अकेले अकेले है उनको देखिए, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सिमेट्री क्या है, अलग अलग है, ठीक है? जब वो किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लगभग, तो जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वो ट्रांजिशन आसान होगा, ये ट्रांजिशन आसान है जो स्ट्रेट लाइन बन रही है जहां पर, लेकिन जहां पर वो अपनी एनर्जी को ही बदल दे रहा है वहां पर ट्रांजिशन उतने आसान नहीं होते हैं, होते हैं बट उतने आसान नहीं होते हैं जितने ट्रांजिशन आसान किसमें होते हैं, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो ट्रांजिशन है, ये जो शार्प जैसी आपको लाइनें दिखा रही है, देखिए A1G, तो ट्रांजिशन है वो A1G में हो रहा है, ये सॉरी A1G से कहां हो रहा है, EG में हो रहा है। यहां पर जो ट्रांजिशन है ये देखिए T2G में हो रहा है। ये जो शार्प आपको दिखेंगे वो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि हम ये कहेंगे, आप अपने हिसाब से, हो सकता है यहाँ पर कुछ गलती रह गई फिगर में, आप क्या देखेंगे कि जो T1G है से, नहीं सॉरी A1G से, एक मिनट, 6A1G से ट्रांजिशन कहाँ हो रहे हैं, 4A1G, ठीक है? फिर कहाँ हो रहे हैं, 6A1G से कहाँ हो रहा है, 4EG में। फिर कहाँ हो रहा है, 6A1G से ट्रांजिशन होगा, जो जो पीक हमें थोड़ी शार्प दिखेंगी उनकी बात कर रही हूँ, 4A2G में। ये जो थोड़ी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, ये ट्रांजिशन जरा शार्प दिखाई, बहुत शार्प नहीं आता इसका जो स्पेक्ट्रा है, लेकिन ये थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू अदर ये थोड़ी सी शार्प दिखती है। ये इसलिए दिखती है क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, 6A1G भी और बाकी भी, तो इसलिए वो थोड़े से शार्प आएंगे बाकियों की अपेक्षा। तो ये ऑर्गल डायग्राम है, इससे हम इसके स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बाकी भी दिखाई देंगे पर उतने नहीं दिखेंगे। तो आपको जो D5 है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, यू हैव टू लर्न, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फोर जो हमने जो टर्म्स लिए हैं, फोर मल्टीप्लिसिटी की, वो क्यों लिए हैं। अब आप देख भी लीजिए जो मैंने आपसे ऑर्कल डायग्राम के बारे में कहा था, उसमें स्पेसिफिकली कहा था, देखिए यहाँ तो कहा था कि इस, आप देखिए यहाँ हमने D5 के बारे में लिखा था कि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, वो हम देखेंगे क्यों होते हैं। तो स्पेशली D5 के बारे में हमने लिखा था, यहाँ पर जो टर्म्स हम इंक्लूड करते हैं वो सेम मल्टीप्लिसिटी की नहीं होती है, जबकि अधिकतर कॉन्फ़िगरेशंस में जो टर्म्स होती है वो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होती है। तो D5 में जो सेम मल्टीप्लिसिटी टर्म ना लेने का जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि सेम मल्टीप्लिसिटी कोई दूसरी टर्म होती नहीं है, तो हम कैसे लेंगे। तो जब हम उसको इसका स्पेक्ट्रा समझाना है तो स्पेक्ट्रा समझाने के लिए कोई टर्म तो लेनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि फोर मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स इसमें इंक्लूड करते हैं और उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, और उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लगभग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो शार्प पीक्स शो करता है। और ये बहुत वीक कलर के कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कम इंटेंस कलर होता है, लाइट पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये D5 का ऑर्बिटल डायग्राम है, क्लियर है? अब इसमें तो याद करना पड़ेगा बच्चों, इस वाले को याद करना पड़ेगा, बाकी यू कैन, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्लियर है? यस मैम। तो समझाने का था इसमें, मैंने आपको समझा दिया कि क्यों हमने ऐसा किया है। कॉम्प्लिकेटेड होता है D5 का जो होता है, चाहे टेट्राहेड्रल में लीजिए चाहे ऑक्टाहेड्रल में लीजिए, मैंने आपसे कहा कि एनर्जी का जो स्टेट है उनका क्रम बदल जाएगा, क्लियर है? क्लियर है, बताइए। Yes, ma'am. अब देखिए एक ही डायग्राम में हम ऑर्गल डायग्राम बना सकते हैं, तो मैंने आपको स्प्लिटिंग भी दिखाई थी, इसी तरीके से ऑर्गल डायग्राम भी हम बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं।
अगर आपसे कहा जाए एक ही डायग्राम पर बना दीजिए, आप चार कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, क्योंकि एफ की स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी, चाहे ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी, चार कॉन्फ़िगरेशन की, ऑक्टाहेड्रल में अलग तरीके की होगी, टेट्राहेड्रल में अलग तरीके की होगी, तो ये आप शो कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। अब हम जा रहे हैं सिलेक्शन रूल्स की ओर, सिलेक्शन रूल्स की ओर हम जा रहे हैं, ये सिलेक्शन रूल्स होते क्या है। सिलेक्शन रूल्स अगर हम देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं दे जनरली गवर्न्स, यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, सो द सिलेक्शन रूल्स गवर्न्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं तो उसको गवर्न करना है। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं दे फॉलो सिलेक्शन रूल्स, देन दे आर अलाउड ट्रांजिशन। तो जो भी ट्रांजिशन इन रूल्स को फॉलो करेंगे वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, तो हम दो ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, एक अलाउड ट्रांजिशन और एक फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब आप देखिए दो तरीके के रूल होते हैं यहां पर, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक होता है लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। जो स्पिन सिलेक्शन रूल होता है वहां पर आप देखेंगे अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, और अगर एस की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। एग्जाम्पल के साथ अब अभी हम देखेंगे। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल अगर आप देखेंगे, अगर डेल्टा एल की वैल्यू जीरो है तो वो लैपोर्ट फॉरबिडन है, और अगर डेल्टा एल की वैल्यू प्लस वन माइनस वन है तो वो अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल में। अब हम स्पिन सिलेक्शन रूल में आने से पहले हम कहां चलते हैं, आपको मैं लिए चलती हूं फिर से दूसरी फिल्म दिखाने की ओर, को मैं खुद बताऊंगी आपको यहां पर ड्रॉ करके कि स्पिन सिलेक्शन रूल का क्या मतलब है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगेन हम ले लेते हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले, कोई भी आप बताइए जो मर्जी हो आपकी, डी वाला लेते हैं आसान हो जाएगा, कौन सा लें जिसकी डी ग्राउंड स्टेट होती है, डी फोर ले लेते हैं। ठीक है, डी फोर ले लेते हैं। अब डी फोर में आप ये मुझे बताइए कि इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल से आसान होता है, फट जल्दी जल्दी बताना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डी फोर में ऐसे अरेंज होंगे, एक्साइटेड स्टेट में ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब आप ये देखिए यहां पर कैपिटल एस कितनी थी, टू, कैपिटल एस टू है, और यहां पर कैपिटल एस कितनी है, कैपिटल एस टू है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो रहा है तो क्या इसको स्पिन बदलनी पड़ रही है, क्योंकि यहां ट्रांसफर हो सकता है, क्या इसकी स्पिन बदल रही है? नो मैम, नो मैम, नहीं बदल रही है, इसीलिए टोटल स्पिन बराबर है। तो जो डेल्टा एस है वो कितना आया, यहां भी दो है और यहां भी दो है, तो डेल्टा एस कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब ये कैसी ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड, ये कैसा ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन के लॉ का पालन कर रहा है ये, क्योंकि स्पिन का लॉ ये कहता है कि अगर स्पिन जीरो होगी ना, स्पिन का चेंज, तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगा, और अगर अलाउड ट्रांजिशन होगा तो इंटेंस होगा। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब है कि इंटेंस पीक भी आएगी और इंटेंस कलर भी होगा इस कॉम्प्लेक्स का, अलाउड ट्रांजिशन है। अब आप कोई और कॉन्फ़िगरेशन बताइए, हम एफ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वही ले, आप बताइए कोई कॉन्फ़िगरेशन। आप बताइए, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई कठिन है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। अभी डी फाइव को छोड़ना है, और कोई दूसरा है, डी सेवन, डी एट, दो डिमांड आई है, कोई भी एक ले लेते हैं, दोनों ही का एफ है ना, दोनों ही का एफ है टर्म, तो अगर मैं डी सेवन दूंगी तो उसका क्या टर्म होगा, डी सेवन का जो टर्म है, यार अभी हमें टर्म से मतलब नहीं है ज्यादा, डी सेवन ले लेते हैं। ठीक है, डी एट भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब इनकी हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर एक दो तीन चार, यहाँ स्पिन की बात कर रहे हैं तो ऐसे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, डी सेवन, फिर ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, एक दो तीन,
ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे पहले वाले में बताइए कि यहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म, यहां पर जो एस है ना वो कितनी होगी? इस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहां, तो क्या स्पिन चेंज हो रही है? ये स्पिन चेंज कर रहा है अपनी, यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है ना। अभी एस कितनी है इसकी? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? थ्री बाय टू। यहां जब एक्साइटेड स्टेट है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? थ्री बाय टू। और जब यहां पर ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? थ्री बाय टू। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो है ये है थ्री, ये फोर क्या है, फोर टी टू जी है, टी वन जी है, ये क्या है फोर टी वन जी एंड टी टू जी, ये क्या है फोर ए टू जी, फोर लिख रहे हैं ना, सब में लिख रहे हैं ना फोर, क्योंकि सारी स्टेट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो एक सी होगी, क्योंकि सबकी स्पिन क्या है एक सी है, तभी तो हम फोर फोर लिख रहे हैं सब में, सबकी मल्टीप्लिसिटी एक सी है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो रही है? क्या एस, क्या एस, एस क्या आ रहा है, डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, जीरो। तो इसका मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होंगे ना? यस मैम, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। यस मैम। अब हम ले रहे हैं डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन को। अब आप डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन को देखें, डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लेंगे तो वहां पर क्योंकि वो हाफ फील्ड है, अब हाफ फील्ड से होने से उसको क्या हो गई, दिक्कत हो गई, उसको दिक्कत हो गई, उसको बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि उसको अपनी स्पिन चेंज करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, कोई भी आप एक्साइटेड स्टेट ले लीजिए उठा के। तो यहाँ पर जब पांच इलेक्ट्रॉन होंगे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। अब आपने बताया था कि यहाँ पर जो स्पिन है वो कितनी है, फाइव बाई टू। यहाँ पर जो स्पिन है वो कितनी है, थ्री बाई टू। थ्री बाई टू। यहाँ पर जो स्पिन है वो कितनी है, इसको जब यहाँ जाना पड़ा तो अपना स्पिन बदलना पड़ा, करना पड़ा, बदलना पड़ा ना। यस। इसको जब जाना पड़ा तो इसको भी बदलना पड़ा, इसने भी बदल लिया अपना स्पिन। तो अब आपके डेल्टा एस जीरो आ रही है, डेल्टा एस क्या जीरो आ रही है यहाँ से, यहाँ, यहाँ से यहाँ? नो मैम, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो देन द ट्रांजिशंस आर स्पिन फॉरबिडन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फॉरबिडन ट्रांजिशन किसे कह रहे हैं, किसको अलाउड कह रहे हैं? यस मैम। अब हम इसका एक जिस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब आप जिस्ट ये देखिए कि अब आपने देख लिया ना, अब हम क्या जिस्ट निकालेंगे कि नंबर वन जो ट्रांजिशन है वो अलाउड कब होगा? एक तो आप बताइए कि क्या कब होगा अलाउड? जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। एक तो ये बताया कि मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, दूसरा कि अभी क्या बताया था बेटा, तुमने कुछ बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, नो चेंज इन दी, नो चेंज इन दी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ड्यूरिंग ट्रांजिशन ना, ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ओके। ये दो चीजें, और तीसरा आपने कह ही दिया कि भाई डेल्टा एस जीरो होगा, यही तो कंडीशन है, सब एक ही बात है, इन सब की का आंसर एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, स्पिन अलाउड होंगे, और जो इसको पालन नहीं करेंगे वो क्या होंगे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो आपको पता चल गया कि डी फाइव कैसा स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन शो करता है ना, और बाकी जितने कॉन्फ़िगरेशन है डी वन टू डी टेन एक्सेप्ट डी फाइव ऑल आर स्पिन अलाउड, पता चल गया? पता चल गया ना, क्लियर है? अब दूसरा लॉ देखें, फिर उसके बाद हम स्लाइड पाएंगे, हम दूसरा रूल देखते हैं। हमने कहा लेपर्ट सिलेक्शन रूल, ठीक है, लेपर्ट। अब देखिए, हमने दो 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 जो हमने बच्चों वो किया था ना, जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, वो मेन क्वांटम नंबर दो ही की जरूरत पड़ रही थी हमें ना, किन की पड़ रही थी,
हमें तो एस की और एल की, इसी से तो सब पता चल जा रहा था हमें ना। एस से तो हमने स्पिन सिलेक्शन रूल कर लिया, एल से हम क्या करेंगे, लेपर्ड सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुए, ये क्या था टी टू जी और ये क्या था ई जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो कहां से कहां, देखिए ये इलेक्ट्रॉन था ये यहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ये जो टी टू जी है ये कैसा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब टी टू जी किस टाइप की, मतलब क्या नाम है इनका, ये जो ऑर्बिटल है ना ये कौन से ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ना, ये टी टू जी और ईजी में कन्वर्ट हुए, ये कौन से ऑर्बिटल थे पहले, नहीं मतलब नहीं टोटल कौन से ऑर्बिटल थे, मेरा कहने का मतलब पांच ऑर्बिटल थे ना, वो पांच ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ना, वो जो पांच ऑर्बिटल थे वो उनका नाम क्या, नहीं ओवरऑल हम उनको क्या कहेंगे, डी ऑर्बिटल ना, मतलब मेरा कहने का मतलब हाँ हम डी ऑर्बिटल की, क्वेश्चन पूछना भी तो नहीं आ रहा है ना मुझे, क्या करूं मैं, आप समझ गए, तो ओवरऑल जो ऑर्बिटल था वो डी ऑर्बिटल था। ओके, तो जो टी टू जी भी डी है ना, टी टू जी डी है ना, और ईजी भी डी है, दोनों डी है, यस मैम। तो जब दोनों डी है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना, देखिए यहां से यहां ट्रांसफर हुआ ना, तो कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, डी टू डी हो रहा है, तो इसको हम डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर रूल में कहा भी था, अभी आप देखेंगे कि जो जो ट्रांजिशन है वो डी टू डी ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये जो ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांजिशन शो करते हैं वो डी टू डी होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अभी आपने एक बहुत छोटा सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रा जो पढ़ा है वो केवल डी टू डी ट्रांजिशन पढ़ रहा है, अभी नेक्स्ट में हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना जो हमारा जिस्ट था वो डी टू डी ट्रांजिशन का था। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर ट्रांजिशन, ये डी जो होता है ना इसको हम क्या लिख रहे हैं, देखिए जी से दिखा रहे हैं और इसको भी जी से दिखा रहे हैं, दिखा रहे भाई, जो डी ऑर्बिटल होते हैं दे आर जी रेड होते हैं, यस मैम, यस। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तब, ठीक है, तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा यानी ट्रांजिशन जी से जी में ही तो हो रहा है, जी से जी ऑर्बिटल में ही तो हो रहा है, जो जी रेड टाइप के हैं जी रेड टाइप से जी रेड टाइप में हो रहा है ना, जो डी ऑर्बिटल होते हैं जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो भी जी रेड होता है, एस भी जी रेड होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डी से डी में हो रहा है या एस से डी में हो रहा है, ये भी जी रेड है और ये भी जी रेड है, ये भी जी रेड है, ये भी जी रेड है, या फिर ट्रांजिशन पी से कहां हो रहा है, पी में, अनजीरेड टू अनजीरेड, ये अनजीरेड से अनजीरेड में हो रहा है, या फिर पी से एफ में हो रहा है, अनजीरेड से अनजीरेड में हो रहा है, तो ये ट्रांजिशंस दे आर नॉट अलाउड, दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ये ट्रांजिशंस क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। जब ट्रांजिशंस जी से जी में होते हैं या यू से यू में होते हैं, देन दीज काइंड ऑफ ट्रांजिशंस दे आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन। कैसे फॉरबिडन ट्रांजिशन, दे आर लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। कैसे है, लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो जो जितने ट्रांजिशन हो रहे हैं डी ऑर्बिटल्स में, मतलब जितने अभी तक आपने पढ़े डी से टेन तक, तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन कैसे होंगे लेपर्ड के टर्म में, डी से डी में जो ट्रांजिशन है ना बच्चा, वो अलाउड नहीं होता है। वो ट्रांजिशन जी से जी में होता है ये अलाउड नहीं होता है। अगर ट्रांजिशन जी से जी में होता है ना, वो अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, दो है। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, दो है। अगर एल की जो डेल्टा एल है अगर उसकी वैल्यू जीरो होती है तो ये नॉट अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड। बट इफ डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन देन इट इज अलाउड। तो ये वहां से डिफरेंट है, अगर जी से जी में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रांजिशन आपने अभी तक D1 से D10 तक पढ़े, क्या वो अलाउड है लेपर्ड अलाउड, फॉरबिडन, फॉरबिडन है, यानी सारे ट्रांजिशन फॉरबिडन है, ये सारे के सारे, चाहे वो D5 हो, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D6 हो, कोई भी हो, यानी सारे ट्रांजिशन डी से डी में हो रहे हैं, सारे जी से जी में हो रहे हैं, तो सारे ट्रांजिशन लेपर्ड फॉरबिडन है। लेपर्ड फॉरबिडन कब होंगे, जब ट्रांजिशन जी से जी में होगा या यू से यू में होगा। अगर वो ट्रांजिशन जी से यू में या यू से जी में होगा तो वो ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा।
ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जितने कॉन्फ़िगरेशंस थे वो सारे के सारे लेपर्ड फॉरबिडन है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा कि डी वन से डी फोर एंड डी सिक्स से डी टेन ये कैसे थे, स्पिन अलाउड, ओके। और डी फाइव कैसा था, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है। तो अब आप देखिए डी फाइव को देखिए, बड़ा स्पेशल केस है, इसीलिए इसका जो टेन है वो सुगानो डायग्राम है वो भी टफ होगा, और जो इसका जो जो ऑर्गल डायग्राम है वो भी टफ है। डी फाइव को देखिए, स्पिन फॉरबिडन है और साथ में क्या है, साथ में क्या है, लेपर्ड फॉरबिडन भी, दोनों फॉरबिडन है। और जब ये दोनों फॉरबिडन होगा तो समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना वो तो अलाउड ही नहीं हो रहे, दोनों ही फॉरबिडन है, दोनों अलाउड नहीं हो रहे। और जब दोनों अलाउड नहीं हो रहे हैं तो कैसे आएंगे, वीक, वीक जो पीक्स हैं वो वीक आएंगी, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। और जब ये ट्रांजिशन ही फॉरबिडन है तो इसका कलर बहुत ही वीक होगा, बहुत ही डल कलर के होते हैं ये कॉम्प्लेक्स जो कि डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज इन द डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिशंस आर स्पिन फॉरबिडन एज वेल एज लेपर्ड फॉरबिडन, वाइल इन केस ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस द ट्रांजिशंस आर लेपर्ड फॉरबिडन बट दे आर स्पिन अलाउड, एंड इफ द ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड देन दे आर इंटेंस कलर्ड। लेपर्ड के फॉरबिडन होने से कुछ नहीं होता है, लेपर्ड फॉरबिडन होने से इतना फर्क नहीं आता इंटेंसिटी में जितना स्पिन फॉरबिडन होने से आता है। इंटेंसिटी का भी क्रम है वो भी मैं आपको शो करूंगी। तो आप ये देखेंगे अगर वो स्पिन अलाउड है तो मतलब वो कलर्ड है, मतलब वो इंटेंसली, तो इसलिए हम पूरा अगर हमने ये रामायण पढ़ी है तो हम ये देखेंगे कि हमें पूरा देखिए क्या जिस्ट मिला इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांसफर होता है तो वो स्पिन अलाउड होता है, और अगर वो स्पिन अलाउड है तो वो कलर्ड है। कलर्ड भी कितना है, इंटेंस कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। निकिल के कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं, कॉपर के कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं, आपने देखा है कोई भी एक ब्लू कलर का कोई ग्रीन कलर का, आयरन के कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स क्या है, कलर्ड है। भाई आपने फेरी फेरोसाइनाइड देखा है? यस मैम। आपने K2Cr27 तो नहीं, K2Cr27 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं है क्या? तो आपने KMnO4 देखा है? Yes, सब देखिए कितने कलर्ड कॉम्प्लेक्स हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स हैं दे आर वेरी कलर्ड बिकॉज दे आर स्पिन अलाउड। और अभी आप KMnO4 की बात तो करें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, गलत बात करी मैंने, KMnO4 है, K2Cr27 है, इनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इनकी इंटेंसिटी का कुछ और कारण है। बट जो कॉम्प्लेक्सेस है कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, निकिल के कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपसे कहा कि इनको छोड़कर अब D10 है ना, D10 तो कलर नहीं होगा, D10 को छोड़ दीजिए, D10 मैंने दिखा दिया जरूर दिया आपको, D10 में तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं ना, इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ D10 में ट्रांजिशन होगा? नो मैम। या D0 मतलब DD ट्रांजिशन तो नहीं होगा, बाकी कोई और ट्रांजिशन हो गए तो बात अलग है। तो ये D0 और D10 को छोड़ दीजिएगा क्योंकि गलत लिख दिया मैंने, स्पिन अलाउड लेपर्ड फॉरबिडन का मतलब ही नहीं है क्योंकि वहां ट्रांजिशन ही नहीं होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जनरली दे आर ऑल्सो कलरलेस क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो ये कलरलेस होते हैं। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दे आर कलर्ड, ठीक है। वो कलर्ड क्यों है, बिकॉज देयर आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, इसलिए वो कलर्ड है। और जो वीक कलर्ड है जो इंटेंस कलर का नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जो ट्रांजिशंस हैं दे आर स्पिन फॉरबिडन एज वेल एज लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने आपसे कहा कि हम KMnO4 K2Cr27 D0 को भी हम नहीं डिस्कस करने वाले क्योंकि D0 भी आप देखेंगे वो भी कलर्ड होता है, इंटेंसली कलर्ड होता है। क्यों होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वो बिल्कुल अलग तरीके का स्पेक्ट्रा है। तो डीडी ट्रांजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डीडी ट्रांजिशन में कलर इसलिए है क्योंकि क्यों है, अब आप बताइए डीडी ट्रांजिशन में कलर क्यों है कॉम्प्लेक्सेस का? स्पिन अलाउड है इसमें, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, सिंपल सी बात है। देखिए कहीं खोज भी नहीं करनी है आपको, ऐसे क्वेश्चन जरूर, वही मैं कह रही हूँ घुमा फिरा के आने वाले क्वेश्चन यही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटना नहीं है जितनी चीजें। एक चीज मैंने रटने को कही है वो है D5 कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ, और उसमें भी आप बाकी पीक्स जो है आप समझा सकते हैं जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है केवल वही जो है शार्प पीक्स आती है, बाकी वो रटना है आपको, एनर्जी का क्रम रटना है, बाकी आपको कुछ नहीं रटना है पूरे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। अगर आप समझ गए देन आप आसानी से इसके क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो नेट में आए चाहे किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।
अब आप देखिए कि यहाँ पर अब आपको मैंने ये दिखा दिया है कि जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है, और डेल्टा एस जब जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता है तो वो क्या होती है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। ठीक है, ये देखिए ये जो थ्री से थ्री मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है, ऐसे आप एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। ये डी क्यू है, यहाँ पर जो एच न्यू है एक्चुअल में, ये जो है ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है और ये स्पिन फॉरबिडन है, क्योंकि ये थ्री मल्टीप्लिसिटी से वन मल्टीप्लिसिटी में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हम शो कर रहे हैं। फिर ये हमने ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जहां पर अलाउड ट्रांजिशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जहां पर अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, ये वही सब बताया जो मैंने आपको बता दिया है। अगेन आप देखिए डी वन कॉन्फ़िगरेशन ये स्पिन अलाउड है, डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्पिन। देखिए ऐसा कोई चित्र बना के आया ना तो भी आप समझ जाएंगे, सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो ये अलाउड है। ये देखिए डिसिमिलर मल्टीप्लिसिटी के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड नहीं है। ये देखिए सिक्स से टू में हो रहा है तो अलाउड नहीं है, तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। ओके, क्लियर है? Yes, क्लियर है बच्चों? अब ये देखिए मैंने आपको जो दिखाया ऑर्बिटल, और इसको ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी कहते हैं और लैपोर्ट सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। और जो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल है और लैपोर्ट सिलेक्शन रूल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि जो जी से जी में जो भी ट्रांजिशन होगा वो हमेशा क्या होगा, फॉरबिडन होगा। अगर एस से डी में होगा, एस भी जी होता है और डी भी जी होता है, पी भी यू होता है और एफ भी यू होता है, तो अगर इनके बीच में ट्रांजिशन है तो ये फॉरबिडन है। लेकिन अगर जी से यू में ट्रांजिशन होगा या यू से जी में होगा तब ये अलाउड ट्रांजिशन होगा। जैसे एस से पी में अगर ट्रांजिशन है तो वह अलाउड है, पी से डी में। देखिए एस कैसा ऑर्बिटल है, एस को अगर देखेंगे तो हम जी है, जी रेड है, और पी को देखेंगे तो ये यू है। अगर हम पी को देखेंगे तो ये यू है, ये जी है, तो यानी ट्रांजिशन अगर जी से यू में होता है या यू से जी में होता है तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। यहां पर पी क्या है, मतलब यहां की एल क्या है, अगर एस जो है ना तो एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, जीरो होगी, और यहां पर एल की वैल्यू कितनी होगी, वन, वन होगी। तो इन दोनों का जो डेल्टा एल आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, वन है, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, टू है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस वन आ जाएगी। यह ट्रांजिशन अगर पी से एफ में होता है, पी से एफ में तो अलाउड नहीं होगा। अगर ये ट्रांजिशन एस से किस में हो सकता है, पी में भी अलाउड हो सकता है, एस से एफ में अगर हम देखें तो ये जी है, ये क्या है, यू है। ठीक है, और ये S का मतलब L इज इक्वल टू जीरो, और F का मतलब L इज इक्वल टू कितना हुआ, थ्री हुआ, तो यानी प्लस माइनस थ्री भी ये हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस टू लिखा है ना मैंने, टू तो नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए ये आप जो है प्लस माइनस वन हो सकता है, या फिर जो ट्रांजिशन है वो S से F में हो सकता है, ये अलाउड हो सकता है क्योंकि ये G से U में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस टू तो ये नहीं होगा। ओके, ये समझ गए आप लोग कि जो ट्रांजिशन है ये हमेशा क्या होंगे, अलाउड होंगे। क्लियर हो गया, पक्का क्लियर है ना? यस मैम। जल्दी से हम एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं। यस मैम। ये है रिलैक्सेशन। अब देखिए ऐसा होता है ना, जब हम एडमिशन लेते हैं ना बच्चों, बेटा हमें कई चीजों का रिलैक्सेशन होता है ना, कई बार फीस माफी हो जाती है किसी की, या किसी को रिजर्वेशन मिल जाता है, या कई बार उत्तराखंड के बच्चों को प्रेफरेंस मिल जाएगी, या जो जहां के बच्चों के वहां होता है ना रिलैक्सेशन। जैसे मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मैं एडमिशन की बात कर रही हूँ, होता है कई बार क्या होता है कि मैं उतने मेरे मार्क्स नहीं आ पाए थे लेकिन मेरा एडमिशन हो गया, या मेरी नौकरी लग गई। क्यों लग गई, क्योंकि मुझे रिलैक्सेशन था ना, मुझे एज का रिलैक्सेशन हो गया। मैं EWS में आया, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हूँ तो मुझे फायदा मिल गया, क्योंकि मुझे मेरे लिए रिलैक्सेशन कर दिया ना, रूल में रिलैक्सेशन कर दिया। जहां मुझे 60% में अपियर होना चाहिए था कि, लेकिन मेरे लिए रिलैक्सेशन हो गया, उस नौकरी के लिए मैं भी एलिजिबल हो गया रिलैक्सेशन, जबकि मैं एलिजिबल नहीं था लेकिन मैं एलिजिबल हो गया, या एडमिशन के लिए मैं एलिजिबल हो गया। ठीक है, मैं किसी वजह से भी मैं रिलैक्सेशन मिलने हो गया, मेरा एडमिशन हो गया। ये पहले रिलैक्सेशन का अर्थ समझ गए आप क्या होता है? Yes, ma'am. रिलैक्सेशन मतलब कि जो नहीं होना था वो हो गया, समझ गए, हमने रिलैक्सेशन दिया और वो जो नहीं होना था वो हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे ही क्या होगा कि जो स्पिन सिलेक्शन रूल है ना उसमें भी रिलैक्सेशन है। कई बार क्या होगा कि वो होना नहीं था लेकिन वो हो जाएगा, वो जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होना था क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट थी, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से वो स्पिन फॉरबिडन नहीं रह जाता।
ठीक है, तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसका, ये एग्जांपल जो है इसको मुझे देख लूंगा। हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए कि मेरे पास ऐसी स्टेट थी 3p एंड 1s, ठीक है, ये ऐसी स्टेट्स मेरे पास थी। और अगर आप इसमें देखें, इसमें ट्रांजिशन जो है वो क्या पॉसिबल है, इसमें अलाउड है? अगर ये दो स्टेट है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बीच में कोई स्टेट है ऐसी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बीच में, क्या ये अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन? आपकी नजरों में है अलाउड? नहीं है ना, क्योंकि वन मल्टीप्लिसिटी से थ्री मल्टीप्लिसिटी की टर्म में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो स्पिन अलाउड तो नहीं है, ये क्लियर है? नहीं है ना? Yes, ma'am. तो अब इसमें रिलैक्सेशन होता है, इसमें ये क्या है, ये रूल को फॉलो नहीं भी कर सकता है। क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है। अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गई तो आप देखिए कि इसके इस 3p स्टेट के लिए आप मुझे बताइए कि s की वैल्यू कितनी रही होगी और l की वैल्यू कितनी रही होगी, तो मैंने लिख भी दी। आप मुझे बताइए कि अगर ये स्टेट है तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी जब 3 मल्टीप्लिसिटी है, तो कितनी होगी बच्चों? 3p से हमें पता चल जाएगा, ये भी आता है क्वेश्चन में कि 3p है, आप ही बताइए कि s कितनी और l कितनी है। 1 s 1 होगी तभी तो मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, और l कितना है, p है, तो p है ना स्टेट, तो l कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा। तो अब आपको जब स्टेट पता है तो आपको दो चीजें पता लग गई कि s कितना होगा और l कितना होगा। जब आपको s और l पता होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि j की वैल्यू कितनी होगी। मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है j की? 3 पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबल है, क्या क्या लिखूं? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये जो स्टेट है ना, स्प्लिट होगी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बाद, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 3p0, 3p1 एंड 3p2। हो गई स्प्लिट, हो गई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो स्प्लिट हो जाएगी, हुई समझ में आ गया? अब ये देखिए 1s के लिए क्या क्या होगी, l की वैल्यू, l की क्या होगी और s की क्या होगी, क्या वैल्यू होगी बच्चा एल की? मैं 0 होगा, 0 होगा एल पर। एस कितना होगा? 0। एस भी 0 है, एल भी 0 है ना, तो अब इसके जे की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी ना? यस यस मैम। जब स्प्लिट होगा तो ये एक ही स्टेट में स्प्लिट होगा जिसकी की 1s 0। जैसे जब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पड़ी होगी ना आपने एनएमआर में, ऐसा ही समझ लीजिए कि ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बाद फर्दर स्प्लिट होती है, इसके अंदर 3 स्टेट है, ये ऐसे स्प्लिट होगा और ये ऐसे स्प्लिट होगा, हो गया स्प्लिट। अब ये देखिए, ये स्टेट को देखिए, इस वाली को और इस वाली को देखिए, इनमें क्या चीज सेम है, कुछ चीज सेम दिखाई दे रही है? इन दोनों में कोई चीज सेम दिख रही है? यस, वैल्यू ऑफ जी। अब इनमें कुछ सिमिलरिटी हो चुकी है, इन दोनों की जे वैल्यू बराबर हो चुकी है, जरूर मल्टीप्लिसिटी की बराबर नहीं थी पर जे की वैल्यू बराबर होगी, इसलिए जो ट्रांजिशन है ना ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर होता क्या है कि ये दोनों पास में आके इस पर थोड़ा सा सिंगलेट करेक्टर आ जाता है और इस पर थोड़ा सा ट्रिपलेट करेक्टर आ जाता है। ये जीरो जीरो ना, जीरो की वजह से ये दोनों मिक्स हो सकती है, और मिक्स होने के बाद क्या करेंगे कि ये दोनों की मल्टीप्लिसिटी लगभग एक सी हो जाएगी, कि वन वाली में 3 का करेक्टर आ जाएगा और 3 वाली में 1 का करेक्टर हो जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाएगी और दोनों के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो दिस इज द रिलैक्सेशन इन द स्पिन सिलेक्शन रूल, कि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि उसकी जो स्पिन अलाउड उसमें हो, लेकिन उसमें स्पिन अलाउड हो जाता है क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन है, अगर जे की वैल्यू बराबर आ गई तो उनकी स्पिन जो है वो लगभग बराबर हो जाती है और वहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है, स्पिन फॉरबिडन तो नहीं रहेगा। समझ में आई बात?